कोरोना महामारी कारण भारत देश विच पिछले साल लगे कोरोना कर्फ्यू ते तालाबंदी कारण विदेशां तो आए हुए कुछ लोग भारत विच ही फस गए सन, जिन्हां नूं तालाबंदी खुलन तो बाद सरकार दे वल्लों वापसी देशां दे विच भेजना शुरू कर दिता गया। लेकिन बावजूद इस दे कुछ अजिहे लोग भी ने जो पाकिस्तान तो भारत घूमन आए सन, लेकिन हाले तक पाकिस्तान वापस नहीं परत सके, जिस दे चलदे उन्हां वल्लों अमृतसर दे डिप्टी कमिश्नर दे घर दे बाहर बैठ के गुहार लगाई जा रही है कि उन्हां नूं जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जावे। इस संबंधी पत्रकारों नाल गलबात करदे पाकिस्तान के नागरिकों ने कहा कि वह पाकिस्तान के रहने वाले ने ते हरिद्वार घूमन के लिए भारत आए हुए सन, लेकिन उस तो बाद तालाबंदी हो गई, जिस तो बाद वो वापस नहीं जा सके। उन्होंने दोहां मुल्कां दीआं सरकारां तों गुहार लगाई है कि उन्होंने जल्द तो जल्द उन्होंने वतन वापस भेजा जाए, जिथे उन्होंने छोटे छोटे बच्चे इकले रह रहे हैं। जोधपुर से आए हुए सर। कहां के रहने वाले? जी पाकिस्तान, पाकिस्तान रहने वाले हैं। क्या कारण है आप यहां फंस गए? यहाँ पे सर हम हरिद्वार वीजे के लिए आए थे, तीर्थ यात्रा के लिए, और ऊपर से लॉकडाउन लग गया सर। मैं 2013 मार्च में आया था और लॉकडाउन लग गया, फिर हमने बहुत कोशिश की, जोधपुर से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है सर, और हम वापस जाना चाहते हैं। हमारा परिवार पीछे, मेरे बच्चा एक पीछे 8 दिन का हुआ था और उसका वीज़ा नहीं लगा, फिर हमें उसको छोड़ कर आना पड़ा। अब सर हम जाने दीजिए सर। नीली पग केसरी झंडा, तू तो कहता सी दिल्ली वाला पंजा ही चंगा। ना कहता तो तुम ही सी कि दिल्ली वाली झाड़ू ही चंगी, देख ली ना असलियत हो गई ना खेरू खेरू। मैं ते अपनी गलती सुधारन लगा, सब झूठे ला रहे सी। किथे गए स्मार्टफोन ते नौकरी दी उम्मीद? मेरी भैन सरकारी टीचर सी, नौकरी भी गई ते उम्मीद भी। अपने तां अपने हुंदे ने, घटो घट साढ़े बारे सोचते तो ने। मैरिटोरियस स्कूल, वजीफे, आ कुड़ियां ली साइकिल, ए सड़कां, बिजली सरप्लस, सुविधा सेंटर, एयरपोर्ट ते इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ अपने ही कर सकते ने। अपने सुपने अपनी तरक्की, अपने बंदे अपने लोग, समझे? नमस्ते सर जी, मेरा नाम वजीर जी है, मैं सर पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। सर हम पाकिस्तान से यहाँ हरिद्वार के वीज़े के लिए आए थे, तो कुछ कारण से हम रुक गए यहाँ पे। मेरी घरवाली की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे वीज़ा डेट जो वो ख़त्म हो गई, तो मैंने दोबारा पाकिस्तान जाने की कोशिश की। जोधपुर से मैं जो है कागज़ वगैरह भी लगाए थे, उसके बावजूद मैंने सूर सागर जो थाना है उसके पास भी मैं गया, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट परमिशन नहीं दी गई। मैं बॉर्डर पे भी गया हूँ सर, 2 बार मैं गया हूँ बॉर्डर पे, दूसरी बार मेरे को वापस भेजा गया, पहले भी वापस भेजा गया, फिर भी गया हूँ वापस भेजा गया। मैं एम्बेसी के आगे 2 दिन बच्चे लेके बैठा रहा हूँ, लेकिन मैं भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार से दोनों से यही अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी जो है हमें पाकिस्तान भेजा जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। मेरे पिताजी जो पाकिस्तान में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन सर छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो एहसास कीजिए। हम दोनों सरकारों से यही अपील करना चाहते हैं कि कोई अपना एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको वापस ना भेजा जाए। हमारी यही अपील और रिक्वेस्ट है कि हमें वापस जल्दी से जल्दी भेजा जाए। हम जितने ही पत्रकार हैं या जितने भी यहाँ के सरकारी नुमाइंदे लीडर हैं, वजीर आला है, जो भी हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के आगे हम निवेदन और हम अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पाकिस्तान भेजा जाए। अमृतसर तो हरिंदर सिंह की रिपोर्ट।